रीवा रांची मार्ग पर गुड़ के समीप 2.29 किलोमीटर लंबी बनने वाली टनल का काम लगभग पूर्ण। इससे 15 से 20 मोड़ खत्म होंगे, घाटी खत्म होगी, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस टनल के दूसरी छोर पर ऊपर सड़क, नीचे नहर, बीच में टनल है। रीवा रांची मार्ग पर गुड़ के समीप 2.29 किलोमीटर लंबी बनने वाली टनल का काम लगभग पूरा हुआ। 15 से 20 मोड़ खत्म होंगे इस टनल के शुरू होने पर, साथ ही घाटी खत्म हो जाएगी। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस टनल के दूसरे छोर पर ऊपर सड़क, नीचे नहर, बीच में टनल है। मनमोहक नज़ारा नज़र आएगा इस टनल से गुजरने पर। टनल के मामले में रीवा शीघ्र ही देश दुनिया के नक्शे पर छा जाएगा। रीवा सीधी सिंगरौली रांची मार्ग पर बनने वाली टनल का काम लगभग पूरा होने को आया। इसको लेकर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी एक ट्वीट आया है। इस टनल के बन जाने के बाद इस मार्ग पर 15 से 20 घुमावदार रास्ते खत्म होंगे, साथ ही लगभग 7 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लगभग 2 किलोमीटर से लंबी टनल का काम लगभग पूरा होने को आ गया। माना जा सकता है 2023 मार्च तक इसे आने जाने के लिए खोला भी जा सकता है। काम लगभग अंतिम चरणों में है। इस टनल की सबसे बड़ी खास बात, इस टनल में नीचे नहर, बीच में टनल, ऊपर सड़क बनी हुई है। रीवा सीधी के बीच मोहनिया घाटी में निर्माणाधीन टनल का कार्य अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा होने जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद इसके जल्द लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। यह टनल रीवा से रांची नेशनल हाईवे में स्थित है। इसका निर्माण पूरा होने से मोहनिया घाटी में वाहनों को जो अतिरिक्त समय लगता था वह तो बचेगा ही, साथ ही 7 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। मोहनिया घाटी में टनल और बाईपास निर्माण के लिए मार्च 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। माना जा सकता है निर्धारित समय से पहले ही ये टनल का काम लगभग पूरा हो जाएगा। टनल की खुदाई और सड़क बनाने का काम लगभग खत्म हो गया है। अब सीमेंट की लाइनिंग, प्रकाश व्यवस्था और हवा निकासी सहित कैमरे लगाने का काम शेष है। माना जा सकता है टनल पूरी तरीके से बन चुकी है, सड़क पूरी तरीके से बन चुकी है। अब बाकी जो जरूरी चीज़ें होती हैं उसको भी जल्द से जल्द लगाकर काम खत्म करने की तैयारी कर रही है काम करने वाली कंपनी। माना जा सकता है जल्दी काम पूरा हो जाएगा। अपने आप में कई खासियत वाली यह टनल, जहां एक और पहाड़ पर घुमावदार रास्ते को खत्म करके एक्सीडेंट की संभावनाओं को कम करेगी, वहीं दूसरी ओर लगभग 7 किलोमीटर का सफर कम करने के साथ समय की बचत भी करेगी। अब सबको इंतजार है इस टनल के उद्घाटन का। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट आने के बाद माना जा सकता है 2.29 किलोमीटर लंबी टनल अप व डाउन दिशा में लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस टनल की कई खासियतें हैं, अपने आप में काफ़ी अनोखी टनल है, देखने लायक टनल है, देश की बड़ी टनलों में से एक टनल है। जिस तरीके से टनल बनाने वाली कंपनी ने एक समय सीमा निर्धारित करके समयबद्ध तरीके से काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। निश्चित रूप से अब यह टनल अगले साल शुरुआती लम्हों में खुल भी सकती है। जिस तरीके से टनल की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है, सड़क का काम पूरा हो चुका है, अब छोटे मोटे काम बचे हैं, उस काम को भी निर्माणाधीन कंपनी शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की तैयारी में है।